Welcome to Wikipedia guys, myself Dr. Dharmender, and today I am going to discuss the important MCQs on revolt of 1857. As you know कि हमने previous classes के अंदर भी बहुत सारे MCQs किए हैं. आपको क्या करना है, मैं MCQ यहाँ पे आएगा एक कोशिश की है कि at least कुछ ऐसी statement उठाएं जो पहले UPSC के अंदर नहीं आएगी, ठीक है. तो आपने वो उसको MCQ को जब मैं चलाऊंगा तो उसको स्टॉप करना है, वीडियो को आंसर निकालो और देखो आपका ठीक है नहीं. तो दिस इज द बेस्ट मेथड टू जज कि आपको पर्टिकुलर टॉपिक 1857 कितना आता है कितना नहीं आता, राइट. ओके, लेट अस फर्स्ट क्वेश्चन देखो. विद द रेफरेंस टू जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट 1856 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. इट वॉज पास्ड अंडर लॉर्ड कैनिंग. Second statement is, as per the act, all future recruitment for the Bengal army would have to give undertaking to serve anywhere as required by government. Second, third statement is, the act was very popular among Bengal army soldiers. So which of the following statement or which of the above statement are correct, right? First option is 1 and 2, second option is 2 and 3, third option is 1 and 3, and D is लास्ट ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव. ठीक है, सो क्विकली आप इसको करो, जल्दी जल्दी सॉल्व करो. ओके, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन इजी लगा होगा. जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट जब 1856 पास हुआ तो उन्होंने बोला कि आप बाहर भी आपको सर्विस देनी होगी आर्मी वालों को, सारों को बोला. लेकिन उस टाइम पे हमारे जो रिलीजियस नॉर्म्स थे उसके अकॉर्डिंग कि अगर आप जो सी को क्रॉस करते तो आपको उस रिलीजन के अंदर वापस लिया नहीं जाता था, ठीक है. ये इशू था ऑफ जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट, एंड दिस वाज वन ऑफ द मेजर और वी कैन से वन ऑफ द रीजन बिहाइंड 1857 रिवोल्ट. सो फर्स्ट इज, इट वाज पास्ड अंडर द लॉर्ड कैनिंग, ये तो स्टेटमेंट करेक्ट है. सेकेंड वन इज, एज पर द एक्ट ऑल फ्यूचर रिक्रूट्स of Bengal army would have to give undertaking to serve anywhere as required by government. तो government जैसा बोले आपको कहीं पे भी करना पड़ेगा, correct है. Third, the act was very popular among Bengal army soldier. No, it was unpopular. क्यों? क्योंकि उस time पे अफगान वॉर हुई थी, उसके बाद जब वापस आए तो बहुत सारों को कास्ट के अंदर लिया ही नहीं गया. अगर ये एक्ट पॉपुलर होता तो उनको लिया जाना चाहिए, ठीक है. So third statement is wrong and it is very important. तो ये आपने नोट करनी है, अगर आपको नहीं पता थी अपने नोट्स के अंदर एड ऑन करो वैल्यू एडिशन. सो आंसर इसी खुशी में हमारा हो जाएगा 1 and 2. नाउ सेकंड क्वेश्चन, कम ऑन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिवॉल्ट 1857. फर्स्ट स्टेटमेंट इज, द सप्रेशन ऑफ सिविल रेबेलियन इन साउथ इंडिया बिफोर 1857 लेड टू नॉन इन्वॉल्वमेंट ऑफ सदर्न इंडिया इन द रिवॉल्ट. सेकेंड, द इमीडिएट outcome of the revolt was transfer of power from East India Company to British Crown. As you know, ठीक है, चलो पहले option देख लेते हैं. A is one only, then B is two only, C is one and two, D is none of the above. So discuss करते हैं 1857 के अंदर suppression of the revolt in South. देखो South and Eastern region के अंदर, थोड़ा सा अगर Western बोलूँ, North East बोलूँ, ये ऐसे कुछ रीजन थे जहाँ पे जो पहले 1857 से, जैसे हमने लास्ट क्लास के अंदर किया था, ठीक है, 1857 क्या हमने और पीपल्स रेजिस्टेंस के बारे में किया था, उनको ऑलमोस्ट सप्रेस कर दिया था. तो देट वाज वन ऑफ द रीजन कि उन एरिया के अंदर इतनी इन्वॉल्वमेंट नहीं थी. ये स्टेटमेंट एक नई स्टेटमेंट भी है, अगर आपको नहीं पता थी तो ये आपने यूपीएससी के लिए नोट करनी है, ठीक है. सो दिस वॉज वन ऑफ द रीजन के नॉन इन्वॉल्वमेंट ऑफ सदर्न इंडिया, सदर्न इंडिया की इन्वॉल्वमेंट नहीं रही थी, इवन नॉर्थ ईस्ट के अंदर भी इतनी इन्वॉल्वमेंट नहीं थी. सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट. सेकंड देखो, द इमीडिएट आउटकम ऑफ द रिवोल्ट वाज़ द ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम ईस्ट इंडिया एंड टू ब्रिटिश क्राउन. तो ये आपने पता ही है आपको, 1958 एक्ट आया, क्वींस प्रोक्लेमेशन आई, जो आपने पढ़ी होंगी, तो मुझे उसको रिपीट करने का कोई बेनिफिट नहीं है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट एक ऐसा चैप्टर है जो हर एक स्टूडेंट जो यूपीएससी का एस्पिरेंट है उसको आता है. अगर कोई अलग से स्टेटमेंट आएगी उसको मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब करूंगा ताकि आपको इजी रहे. सो ये करेक्ट है, सो आंसर विल बी सी. थर्ड, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंपैक्ट ऑफ रिवॉल्ट 1857. कि 1857 रिवॉल्ट का इंपैक्ट क्या हुआ. फर्स्ट स्टेटमेंट, इन ब्रिटेन द एक्ट ऑफ 1858 प्रोवाइडेड द अपॉइंटमेंट ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया. सेकेंड इज, द इमीडिएट
The immediate outcome of the revolt was the transfer of power from East India Company to British Crown. The third statement is the strength of European troops in India was reduced. Which of the following statement given above is or are correct? First option is 1 and 2 only. Second option is 2 and 3 only. Third option is 1 and 3 only. Fourth option is all of the above. ठीक है, so discuss करते हैं इसको. देखो 1858 जब एक्ट आया तो उन्होंने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को अपॉइंट किया. ये आपने तो पढ़ा है, ठीक है, जनरल स्टेटमेंट है, यूपीएससी के अंदर भी एक बार आई हुई है, तो आपको ये तो चलो ठीक है. सेकंड इज द इमीडिएट आउटकम ट्रांसफर ऑफ पावर, ये हमने अभी लास्ट क्वेश्चन के अंदर भी की, वही स्टेटमेंट है कि ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी टू ब्रिटिश क्राउन हो गई थी. ठीक है, थर्ड इज स्ट्रेंथ ऑफ यूरोपियन ट्रूप्स वाज रिड्यूस, नहीं दिस वन इज रॉन्ग. क्यों? क्योंकि जब यूरोपियन को लगा कि हाँ आर्मी ने रिवोल्ट किया, ठीक है, अब वहां पे जो सिपाही थे, सिपाही ने जब रिवोल्ट किया तो उन्होंने ब्रिटिश यूरोपियन ट्रूप का नंबर इंक्रीज कर दिया और अदर भी अलग अलग रिलीजन के बेस के ऊपर डिवाइड किया. ठीक है, ये सारे इशू थे. सो द थर्ड स्टेटमेंट क्या बोल रही है, द स्ट्रेंथ ऑफ यूरोपियन ट्रूप इन इंडिया वॉज रिड्यूस्ड, इट वॉज इंक्रीज्ड. सो थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग. सो आंसर विल बी 1 and 2 ओनली. ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन देखो, कंसीडर द फॉलोइंग मैचेस. अब हमने देखना है जब रिवॉल्ट हुआ तो कौन कौन से एरिया के अंदर कौन कौन सा बंदा एक्टिव था. आपको पता है, ठीक, बहादुर शाह था दिल्ली के अंदर. तो यहाँ पे चार ऑप्शन है आपके पास, आपको मैच करने. फर्स्ट इज दिल्ली, दिल्ली के सामने लिखा है जनरल बख्त खान. सेकेंड इज कानपुर, बेगम हजरत महल. थर्ड वन इज लखनऊ, नाना साहेब. फोर्थ वन इज भगपत शामल. विच ऑफ द अबव इज और आर करेक्ट? ए ऑप्शन इज 1 and 2, बी ऑप्शन इज 2, 3 and 4, सी ऑप्शन इज 1 and 4, डी ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव. ठीक है, फर्स्ट देखो, दिल्ली के अंदर जनरल बख्त खान थे, उसके बहादुर शाह के साथ में मेनली इन्होंने लीड किया था. बहादुर शाह वॉज अ सिंबॉलिक, सो फर्स्ट इज करेक्ट. कानपुर, कानपुर के अंदर नाना साहेब थे. एंड थर्ड इज लखनऊ के अंदर बेगम हजरत महल, तो ओपोजिट लिखे हुए हैं. बागपत के अंदर शामल था, दैट वाज, दैट इज करेक्ट. सो आंसर विल बी 1 and 4 ओनली. तो आपने फोर्थ ऑप्शन बागपत के अंदर शामल था, ये आपने स्टेटमेंट, इसको आपने नोट डाउन करना है, जो अगर आपने अपने नोट्स के अंदर नहीं लिखी हुई, क्योंकि यूपीएससी देखो तीन ऐसी स्टेटमेंट है इसके अंदर, तीन दिल्ली और जो आपको पता होंगी, लेकिन फोर्थ स्टेटमेंट के अंदर आपको पंगा पड़ जाएगा वहां पे एग्जाम के अंदर. तो ऐसे जब एक आधी स्टेटमेंट आती है उसको एड ऑन करना है हमने, वहीं से हमारा क्वेश्चन निकलते हैं. ओके, नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्वीन विक्टोरिया प्रोक्लेमेशन. अब आफ्टर वॉर उन्होंने प्रोक्लेमेशन दी थी, उन्होंने वादे किए, जैसे हमारे हमारी गवर्नमेंट करती है कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, ठीक है, पर सपने में. फर्स्ट इज द पीपल ऑफ इंडिया वर प्रोमिस्ड फ्रीडम ऑफ रिलीजन विदाउट इंटरफेरेंस. पहले रिलीजन के अंदर बहुत सारा इंटरफेरेंस हुआ था. सेकेंड इज द कंटिन्यूड द इट कंटिन्यूड द डॉक्ट्रिन ऑफ लैब पॉलिसी. थर्ड वन इज इट प्रोमिस्ड टू रिस्पेक्ट द डिग्निटी ऑफ नेटिव प्रिंसेस. विच आर द फॉलोइंग, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज और आर करेक्ट? फर्स्ट ऑप्शन इज 1 and 2 ओनली. सेकेंड ऑप्शन इज 2 and 3 only. Third option is 1 and 3 only. And fourth option is all of the above. First, देखो, the people of India were promised to freedom. अब पहले इन्होंने बहुत सारा interfere किया religion के अंदर. अब मतलब promise ही किया, कुछ ऐसा नहीं है. तो उन्होंने proclamation promise किया, हाँ नहीं करेंगे. ये किया, अब हम नहीं करेंगे. जैसे हम बोलते हैं कि नहीं नहीं इस बार UPSC को clear करना ही करना, चाहे या तो मैं हूँ या UPSC. और हमेशा कौन रहता है? यूपीएससी, तभी तो एग्जाम ले रही है. अब मैं नहीं रहता, जब आपके अंदर मैं आ गई तो आप वो खत्म है. सेकंड, इट कंटिन्यूड द डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स पॉलिसी. ये गलत है, ठीक है, ऐसा कुछ प्रॉमिस नहीं किया था. ठीक है, प्रॉमिस ऐसा करेंगे तो वो तो तोड़ देंगे उनको कि भाई आप क्या बोल रहे हो. तो उन्होंने प्रॉमिस ऐसे करने हैं जो दूसरों को पसंद है. प्रॉमिस करने में क्या जाता है, कुछ भी प्रॉमिस कर दो. आपको टेंशन तब होगी प्रॉमिस की जब आपको पूरा करना है, जब करना ही नहीं पूरा जो मर्जी कर दो. जैसे 15-15 लाख आएंगे, ठीक है, प्रॉमिस करना है करो. थर्ड, इट प्रॉमिस द रिस्पेक्ट ऑफ डिग्निटी ऑफ द नेटिव प्रिंसेस. दिस वन इज करेक्ट. सो आंसर विल बी 1 and 3.
Sixth question, which of the following held the view that revolt of 1857 was war of independence? It began as a fight for religion, ended as a war होगा फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. ये ऐसी स्टेटमेंट आपने नोट करनी है किस किस ने, ये थोड़ी सी अलग है. ये बोलता है बिगेन एज अ फाइट फॉर रिलीजन, रिलीजन के लिए फाइट स्टार्ट हुई थी, एंड एंडेड एज अ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. ऐसा क्वेश्चन देखो बन सकता है यूपीएससी के अंदर. फर्स्ट ऑप्शन इज वी डी सावरकर, सेकेंड इज डॉक्टर एस एन सेन, थर्ड वन इज जवाहरलाल नेहरू, एंड फोर्थ वन इज गोपाल कृष्ण गोखले. सो आंसर इज डॉक्टर एस एन सेन, ये बी आंसर है. तो ये आपने याद रखना. Okay, then seventh, Sir Hugh Gross described whom as the best and bravest military leader of the rebel. एक तो आपको यही याद करना है कि कौन कौन से एरिए के अंदर कौन कौन से इंडियन रूलर एक्टिव थे और उनको सप्रेस कौन कौन से ब्रिटिशर्स ने किया. ये एक मैच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन बहुत बनता है. लास्ट टू लास्ट ईयर आई थिंक कुंवर सिंह के बारे में आया था क्वेश्चन. फर्स्ट इज खान बहादुर खान, सेकेंड इज कुंवर सिंह, थर्ड इज रानी लक्ष्मीबाई, फोर्थ इज बहादुर शाह जफर. अगर आपको बताओ कि सर ह्यूग रोज ने कहाँ पे सप्रेस किया तो आपका आंसर ये वैसे ही आ जाएगा. थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा के रखा हुआ है. सो आंसर इज रानी लक्ष्मीबाई, वहां पे थे उन्होंने उसको बोला था. ठीक है, ओके. लास्ट क्वेश्चन इज वेयर डिड कुंवर सिंह एंड मौलवी अहमदुल्ला लीड द स्पॉय मिटनी, कहाँ पे थे ये. ऐसा कुंवर सिंह के बारे में अकेला भी यूपीएससी के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है, ये दोनों के बारे में पूछ रहा हूं. सो सिंपल आंसर है इसका आरा एंड फैजाबाद. सो आंसर इज ए. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज क्लास. आई होप कि आपने कुछ समझा होगा, कुछ किया होगा. ठीक है, नोट डाउन करना जरूरी है एंड रिवीजन इज मस्ट. 6 रिवीजन आपको करनी है बिफोर द एग्जाम. 6 रिवीजन से हमारा हिट रेट आता है 95%. ये साइंटिफिक बात है. ठीक है, सो ऐसा आपने करना है, एक प्रॉपर शेड्यूल बनाओ और एड ऑन करो. एड ऑन इज वेरी इंपॉर्टेंट. सॉल्व एज मच एज प्रीलिम क्वेश्चन एज यू कैन. सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे. लाइक करो, शेयर करो. ठीक है, थैंक यू वेरी मच.